गाइस लोकेश गमन ने कल अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उन्हें बताया उन्होंने अभी तक फ्री फायर में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। सो गाइस उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। हमने season 1 से अभी तक सब्सक्राइबर अकाउंट, बैचेस, मेरा अकाउंट, फिर लाइव स्ट्रीम में गिव अवे, ये सब मिला के शायद 90-80 लाख या 1 करोड़ के ऊपर उड़ा दिए हैं। मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कितना है, मैंने गिन के नहीं उड़ाया है, बट 1 करोड़ के आसपास मैंने उड़ा दिए पैसे फ्री फायर में। गाइस अब आपको बताना है कि आपने कितना पैसा अभी तक फ्री फायर में उड़ा दिया है, नीचे कमेंट करें, ठीक है, बता देना। गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लौकी भाई ने कल अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग पोस्ट किया जहां पर वो विजिट करते हैं एक्सो स्पेस को, जो कि अभी चर्चे में जिसको बोला जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग हाउस, तो उसका उन्होंने कल ब्लॉग बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस उनका छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप पूरा देखना है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। हेलो गाइस, तो मैं आज देखने जा रहा हूँ ईस्पोर्ट एक्सो का हाउस, गेमिंग हाउस। और गाइस आज मैंने काफी तारीफ सुनी है, यू नो एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था, कि गेमिंग एक्सो का हाउस जो है बेंगलोर के व्हाइट फील्ड में बड़े आलीशान तरीके से बनाया गया है। हेलो सर, लाम रॉकी भाई वाले जगह पे आके बड़ा मजा आ रहा है। वैसे भी सोच रहा हूँ रॉकिंग स्टार यश को मेरे से कॉम्प्लेक्स मिल ही रहा होगा। ईस्पोर्ट एक्सो का घर आखिरकार दिखता कैसा है? वैसे भी आपको पता है रॉकी भाई कई गेमिंग हाउस और कई यू नो बूट कैंप्स में रह चुके हैं और कई स्पोर्ट्स कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। एक्सो स्पेस के साथ ये मेरा पहली बार काम करना होगा। लेट्स सी कि कैसा होने वाला है ईस्पोर्ट एक्सो का घर। और ओके तो यही है। हेलो, ये क्या है? सच में एक्सो का घर है ये? ई स्पोर्ट्स एक्सो है? एक मिनट, एक कैमरा मैन इधर है, इधर है। हाँ पक्का यही है जी सर, यही। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्काईलॉर्ड एंड फोर अननोन्स के बारे में। गाइस फोर अननोन्स ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि उनके साथ फ्री फायर ने अनफेयर किया। सो इसके बाद स्काईलॉर्ड से उन्होंने मदद मांगी थी, स्काईलॉर्ड को बताया था कि आप मेरी हेल्प करो, टोटल गेमिंग से मदद मांगी थी। सो गाइस इसके बाद स्काईलॉर्ड ने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उन्होंने जो लिखा है जस्टिस फॉर फोर अननोन, यहां पर उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट बताए फोर अननोन्स के बारे में कि उनकी खुद की गलती है, उनको फोटोशूट के लिए कुछ दिन पहले बुलाया गया था लेकिन फोर अननोन्स ने उसको नहीं माना था, नहीं गए थे वो लोग। सो इसके बारे में स्काईलॉर्ड ने और क्या कहा, उनका छोटा सा वीडियो क्लिप आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन मैच था उसी दिन इसने फोटोशूट क्यों करवाया, पर जब सेम चीज मैंने गहरे से कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश करी तो मुझे यह पता चला कि 13 तारीख को इस बंदे को फोटोशूट के लिए बुलाया गया था और फिर उसके बाद इस बंदे को सेम नेक्स्ट डे 14 तारीख को अगेन बुलाया गया था, वहां ये एग्री हो गया था दिल्ली आने। बट जब गरीना ने डेड सोल को 14 तारीख को कॉन्टेक्ट किया तो उसने वहां आने से मना कर दिया। फिर उसके अगले ही दिन 15 तारीख को फिर से गरीना ने इस बंदे को कॉल किया कि भाई नोएडा में तुम्हारा ये फोटोशूट चल रहा है, आ जाओ। तो डेड सोल ने उस दिन भी मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और फिर उसके बाद अगेन ने 18 तारीख को उस बंदे को कॉल किया कि भाई तुम्हारा फोटो शूट है तुम आ जाओ, फिर उसने 18 तारीख को भी मना कर दिया। तो तुम लोग खुद बताओ मैं कैसे सपोर्ट कर दूं इसमें। चलो ठीक है, यहां तक ठीक था। फिर उसके बाद गरीना ने अगेन इस बंदे को 19 तारीख को कांटेक्ट किया फोटो शूट के लिए, बिकॉज कोई भी टूर्नामेंट है उसमें फोटो शूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है फोटो शूट। तब गरीना ने इस बंदे को बोला कि जो एड्रेस तुमने अपने रजिस्ट्रेशन में दे रखा है उस एड्रेस पे हम आ रहे हैं तुम्हारा फोटो शूट करने के लिए। तब इस बंदे ने मना कर दिया कि नहीं मैं इस एड्रेस पर नहीं रहता हूं, मैं किसी हॉस्टल में रहता हूं। बट आप सबको पता है कि हॉस्टल में या फिर कॉलेजेस में यहां पर शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब सब हो जाने के बाद गरीना ने इस बंदे को एक लोकेशन दी कि आप यहाँ तक आ जाओ, ये थोड़ा पास पड़ेगा, उस जगह का नाम था सहारनपुर। तब वहाँ पे गरीना ने डेड सोल को ये बोला था कि तुमको 11:30 बजे आना है। फिर उसके बाद गरीना ने उसको कब कॉल किया तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, 10:25 पे और 10:50 पे गरीना वालों ने उस बंदे को कॉल किया कि भाई तू कहाँ है। गरीना वालों ने जब होटल बुक किया था तब गरीना वालों ने 11:30 बजे का डेड सोल को टाइम दिया था, पर वो लेट आया क्योंकि उनको भी चेकआउट करना होता है, होटल से निकलना होता है, तो वो निकल चुके थे। और गरीना की टीम होटल से जस्ट 15 मिनट दूर पे एक जगह है जहाँ पे टीम डी का बूट कैंप है, वहां पर जाकर टीम डी का
इंटरव्यू ले रही थी और जो भी फोटोशूट होता है वो सब काम कर रही थी। और सेम उसी टाइम डेड सोल को भी वहां पर इनवाइट किया गया था कि भाई तुम यहां पे आ जाओ। पर यहां पर डेड सोल ने एक गलती कर दी, उसको 11:30 बजे बुलाया गया था पर वो उस जगह पर 1 बजे पहुंचा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वो 1 बजे पहुंचा और 2 बजे वहां से बाहर निकला, ना कि 3 बजे, 2 बजे। और इसका प्रूफ है फोटोज। और जो ग्राउंड टीम वहां पे गई थी और साथ में जो टीम वहां पर और थी, मतलब जो टीम डी की टीम थी, उसके प्लेयर भी जानते हैं कि 2 बजे खत्म हो चुका था सब कुछ। तो यहां पे अगर देखा जाए तो गलती किसकी है तुमको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं, अब तुम खुद बताओ मैं ऐसे में किसी टीम का कैसे सपोर्ट कर दूं? जब बंदा खुद ही लेट हुआ तो मैं उस पर सपोर्ट नहीं कर सकता भाई, मेरे चैट पे आके स्पैम ना किया करो। अच्छा अब तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूं, डेड सोल के पास कैमरा भी है, ग्रीन स्क्रीन भी है। हां तुम यहां वीडियो में देख लो, भाई ने दोनों वीडियो में यूज किया है। तो हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो इस बंदे को फोटोशूट की जरूरत ही नहीं थी, ये तो खुद ही फोटो क्लिक करके दे सकता था। इस बंदे ने नहीं दिया, यहां तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता भाई? तुम इतने बड़े प्लेयर हो के इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ये एकदम वही बात हो गई घर में छोरा और पूरे शहर में। सो गाइस, इस वीडियो के बाद फोर अनाउंस ने फिर अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो पोस्ट किया, जहां पर स्काईलॉर्ड के जो पॉइंट्स है इसको भी क्लियर किए थे। सो गाइस, यहां पर डेड सोल भाई ने क्या बताया उनका, मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको प्ले करके दिखा देता हूं। आपको मैं फुल वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइस, आपको फुल वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। क्या ये सब हुआ और क्यों तुमने इतनी बार फोटोशूट को डिनाई किया या क्या बात हुई थी? वो एक बार में से क्लियर अगर कर लेता स्काईलॉर्ड तो शायद मुझे ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्काईलॉर्ड ने बोला कि तुम्हें 14 तारीख को एक कॉल की थी फ्री फायर ने और तुम्हें दिल्ली में पटेल नगर में बुलाया गया था। मुझे बिल्कुल सही बोला भाई स्काईलॉर्ड तूने कि हाँ मुझे बुलाया गया था दिल्ली में। तो तब मुझे कॉल आया गाइस, मैंने जब दिल्ली का नेम सुना तो मैंने दिमाग में एक बात आई कि मुझे पहले फैमिली से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट एंड आपको भी ये पता है, सभी को पता है, ठीक है। तो मैंने एडमिन को बोला कि आप मेरा नेम लिख लो एंड मैं फैमिली से बात करके आपको बताता हूँ। तो मैंने फैमिली से बात की तो फैमिली ने सीधा क्लियर मना कर दिया कि दिल्ली में हम बिल्कुल भी नहीं जाने रहे। तो मैंने मतलब एडमिन को कॉल की कि सर मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता दिल्ली में, तो मैं वहाँ पर फोटोशूट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद स्काईलॉर्ड ने बोला कि 15-16 तारीख को मुझे कॉल आई कि नोएडा में होगा मेरा फोटोशूट। तो उसके मुझे एक भी कॉल नहीं आई भाई, ये बिल्कुल गलत बोला जिस भी एडमिन ने तुम्हें बोला, बिल्कुल झूठ है भाई ये, उनसे एक बार प्रूफ ले लेना इसका कि मैंने कब बोला उनको ऐसा, भाई एक भी बार नहीं बोला। उसके बाद मुझे कॉल आई मतलब उसके लिए 18 तारीख को आई थी मेरठ के लिए, तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मेरठ के लिए मुझे एक कॉल आई कि भाई तुम्हारा मतलब मेरठ में फोटोशूट है तुम यहाँ पे आ जाओ। मैंने उनको बोला सर आप एकदम टाइम पे मुझे बता रहे हो फोन करके, मतलब यहाँ पे आ जाओ। 2 बजे कॉल आई थी कि सर अभी 2 बज गए हैं मैं कैसे आ जाऊँ, मैं मतलब मैं नहीं आ सकता यहाँ पे क्योंकि मैं बाहर हूँ और 2 बजे मैं बिल्कुल आ ही नहीं सकता। तो मैंने उनको मना कर दिया सर कि आप मेरे यहीं पे आ जाओ और मैं मतलब पूरा रेडी कर लूँगा सब। उन्होंने बोला चलो हम तुम्हारे वहीं पे ही आ रहे हैं और तुम जो तुम्हारा एड्रेस है वहाँ पे आ जाओ। मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ पे नहीं, मतलब मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ये मेरा लाइव लोकेशन है। मैंने उनको ये देखो, मैंने उनको लाइव लोकेशन भी भेजा, प्रूफ देख लो कि यहाँ पे आ जाओ सर। उन्होंने बोला एक रूम पूरा रेडी कर लेना। तो स्काईलॉर्ड भाई तूने बोला कि ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा है वीडियो के लिए, फोटोशूट करके भेज सकता था भाई, ये पूरा रूम ग्रीन स्क्रीन लगा के उन्हीं के लिए रेडी किया गया था कि 6 बजे वो आने वाले थे 18 तारीख को, ठीक है। तो वो नहीं आए तो उन्होंने फिर मुझे 20 तारीख को मतलब बुलाया कि मतलब आ जाओ तुम यहाँ पे आ जाओ सीधा 10 बजे, तुमने जो स्क्रीनशॉट दिया बिल्कुल ठीक किया तुमने, 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने सहारनपुर बुलाया, मेरे से एकदम नज़दीक था, वो 60 किलोमीटर दूर था और से तो ज़्यादा दूर, मतलब पास ही था, जितनी दूर पहले बुलाते उससे तो पास ही था। तो उन्होंने 10 बजे मुझे कॉल किया। तो इसका लोड भाई तू ही बता दे, मैं हवा तो हूँ नहीं कि 10 बजे मुझे कॉल आई और मैं एकदम सुपरमैन बन के सीधा चला गया 1 मिनट में। भाई मुझे 10 बजे कॉल आई, मैंने बोला कि ठीक है सर मैं आ रहा हूँ अभी आ जाऊँगा मैं, ठीक है। मैंने अपना फेस वेस सब कुछ वॉश किया, मतलब मैं निकल गया 11 बजे। और मैं गाइस मेरे पास कोई बाइक नहीं है क्योंकि मैं मतलब मेरे पास बाइक है ही नहीं, तो मुझे बस से जाना था। तो मुझे बस से जाने में मैंने क्लियर एडमिन को बोला कि मैं 11:30 तक नहीं पहुंच सकता, उन्होंने बोला हमें होटल से निकलना है तुम जल्द। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टोरी है रोमियो गेमर के बारे में। गाइस रोमियो गेमर ने अपना जो फेस है रिवील कर दिया कल इंस्टाग्राम पर, लेकिन उन्होंने स्कैम किया क्योंकि उन्होंने जो फोटो पोस्ट किया वो उनका बचपन का था और इसके साथ उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी प्ले किया जहाँ पर वो डांस करते दिखे थे, लेकिन वो भी बचपन का था। सो गाइस उनका फोटो और वीडियो क्लिप आप देख लीजिए।
तो गाइस आपको रोमी गेमर का ये डांस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था मेरे पास कवर करने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। और फ्री फायर लेट न्यूज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टाटा।